यूं तो हम सभी का सपना होता है कि हम सब लाइफ में बहुत आगे बढ़े, पर ये तभी संभव है जब हम समय का सही उपयोग करेंगे। बिल गेट्स जब युवावस्था में थे तब वो इतना काम करते थे कि काम करते करते ही वह सो जाते थे और उठने के बाद फिर काम करने लगते थे। उनका कहना था कि यदि हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमें टाइम को सही तरीके से मैनेज करना होगा और टाइम का सही उपयोग करना होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आज हम बात करेंगे कि आप समय का सही उपयोग कैसे करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपनी लाइफ का अधिकांश टाइम सोने में बर्बाद कर देते हैं। 10 बजे तक आंखें खोलना, फिर थोड़ी देर में बैठ से उतरना, ऐसा करते करते भी आधे घंटे एक घंटे और बर्बाद करना। यदि हम एक औसत अनुमान लगाएं तो रात के 6 घंटे और दिन के 6 घंटे यानी 24 में 12 घंटे, अर्थात आपकी यदि लाइफ 70 साल है तो आप उसके 35 साल सोने में बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बचा हुआ टाइम सही तरीके से मैनेज करते हों। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं मैं कल सुबह जल्दी उठने वाला हूं और मैं कल से अपनी लाइफ को चेंज करने वाला हूं, पर वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, तो वो कैसे उठ सकते हैं? 95% लोग उस चीज़ के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई पाना चाहते हैं। और जब तक आपका कोई लक्ष्य ना हो, कोई एम ना हो, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। पर यदि आप चाहें तो अपने टाइम को मैनेज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो आप सोते समय ये डिसाइड कर लें कि आप कल सुबह कौन सा काम शुरू करने वाले हैं या कौन सा काम पूरा करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे एक डायरी में भी लिख सकते हैं। नंबर 2, यदि आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं या किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले उस चीज़ के बारे में, उस एम के बारे में विचार करें। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में बदलाव होगा और आप आज करने वाले कार्य को कल से बेहतर कर पाएंगे। नंबर 3, सुबह उठकर आप उन बुक्स को पढ़ें जो आपके गोल को फोकस करता है तथा उस संबंध में कोई वीडियो देखें। यदि आप म्यूजिशियन हैं या कोई भी कलाकार हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि बुक्स पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है सफ़र के दौरान, क्योंकि सफ़र में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। नंबर 4, एक दिन में अमीर बनने के सपने बिल्कुल ना देखें। हाँ, वायलक ऐसा हो जाए तो ये बात की बात है, क्योंकि एक दिन में अमीर बनने की चाहत रखने वाले लोग अधिकांश गरीब रह जाते हैं। इसलिए मेहनत करें और अपने लक्ष्य को फोकस करें ताकि आप धीरे धीरे अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। नंबर 5, अपने मोबाइल से वो सभी एप्लीकेशन डिलीट कर दें जिसमें आपका अधिकांश टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि आजकल हम लोग 4 से 6 घंटे मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। इस टाइम को बचाएं और अपने लक्ष्य, अपने एम में फोकस करें। नंबर 6, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अपने ऑफिस या बिजनेस के कारण अपने ड्रीम, अपने स्किल से दूर हो गए हों। यदि आप भी समय का सही उपयोग करें तो आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की उन सभी ने अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम किए हैं और बाद में कड़ी मेहनत के बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनका अधिकांश टाइम बिना मतलब बर्बाद होता है। हो सकता है यह वीडियो देखने के बाद उन्हें कुछ करने की इच्छा प्रकट हो। और हमारे चैनल फैक्ट्स एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुँचा सकें।